आप सबको मालूम होगा कि कल शाम से जो प्रकरण शुरू हुआ, इस प्रकरण की पटकथा हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई थी। और इस विषय में कई बार हम लोगों ने दल के माध्यम से संयुक्त रूप से इस बात को कहा था। पूर्व में रांची के एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो धृष्टता भारतीय जनता पार्टी का है, येन केन प्रकारेण एक चुनी हुई लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी की ओर से मेरे आदरणीय नेता गुरुजी के निर्देश पर हेमंत सोरेन जी के तरफ से मैं कांग्रेस का आभार व्यक्त करने आया कि जितना विजिल कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए, उनकी जो प्रखर नज़र अपने विधायकों पर है और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय हुई, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है, वो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहाँ चुनाव जीत कर आएंगे वहाँ तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हारेंगे वहाँ सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, ये प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी, कि वहाँ पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। आज इतना ही कहना था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो है सुविधा, एक सवाल है, अभी आपने बोला ये पटकथा 2 साल पहले लिखी गई थी, अभी कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले आप और सुदीप कुमार जो आपकी पार्टी के विधायक थे, इरफान अंसारी के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज वही इरफान अंसारी पर आरोप लग रहा है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते ना। तो इसलिए राजनीति में ये सब चीजें होते रहते हैं। विधायक हैं घाटशिला से रामदास सोरेन, उन्होंने भी इसी तरीके का एफआईआर दर्ज कराया था थाने में, आपके जहन में होगा जी। उनके पास भी ऑफर गए थे, आप लोग देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के नाम पे उन पर एफआईआर हुआ था उस पर केस भी दर्ज है। और हमको लगता है कि इसके पहले भी अनूप सिंह जी ने एक एफआईआर किया था, वो भी केस चल ही रहा है।
अब आगे आगे न्याय व्यवस्था जो काम करेगा उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। सुप्रिया दा, एक सवाल है कि बार बार कांग्रेस विधायकों का ऑफर क्यों मिलता है, झामुमो को विधायक का ऑफर नहीं मिलता है? रामदास सोरेन का कैसे? अब रामदास सोरेन क्या कांग्रेस के विधायक है क्या? नहीं ठीक है, लेकिन बार बार कांग्रेस के विधायकों का, जैसे कुछ दिन पहले चर्चा है कि 10 विधायक का मोबाइल ऑफ है, पार्टी की तरफ से खंडन भी किया गया, प्रदेश अध्यक्ष ने खंडन भी किया, लेकिन बाद में क्रॉस वोटिंग भी हुआ वो भी कांग्रेस की तरफ से। देखिए आप लोगों के लिए बहुत सहज पंचिंग बैग है, आप लोग के लिए बहुत स्पष्ट ये पंचिंग बैग है, क्योंकि जब कोई सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए दोषी जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, राहुल जी हो जाते हैं, सोनिया जी हो जाती हैं और कांग्रेस हो जाती है। पंचिंग बैग की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि मीडिया कुछ भी चलाते रहता है, कल तो स्पष्ट हो गया ना मीडिया जो खबरें चला रही थी। मेरा सवाल ये है कि क्या इन तीन विधायकों के अलावे भी आप लोग किसी और पे शक है कि सतर्कता जो कांग्रेस पार्टी की आप बता रहे हैं कि काफी सतर्क है, वो इन पे कार्रवाई के बाद जो है आप लोग अब सहज स्थिति में? अब ये तो देखिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, वही जानते हैं, और जो हम लोगों के समन्वय समिति में जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, हेमंत जी हैं, सदन में इन दोनों की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और दोनों परिपक्व है, हमको लगता है कि ये तिकड़ी काफ़ी है इस राज्य को सही दिशा देने। अपने विधायकों को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है एक दूसरा को लेकर, क्या आप विधायक है क्यों नहीं बिकेंगे? अब आप लोग सबका दाम ही लगा दीजिएगा तो कौन नहीं बिकेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई सामान है क्या कि अभी मानसून सेल चल रहा है एक के साथ एक फ्री? नहीं नहीं, फिर भी जो फिजा चल रही है, जो फिजा चल रही है आप लोगों के मुताबिक, उसके अनुसार कितना आप लोग कॉन्फिडेंट? हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और हम 2024 में आशा और उम्मीद नहीं विश्वास करते हैं कि जॉइंटली फिर से लोगों के आशीर्वाद लेने जाएंगे। अच्छा दादा, ये यहां वहां जो एसपी ने झारखंड से इनपुट थे इंटेलिजेंस को, तो ऐसे में मुख्यमंत्री और जो आपकी सरकार, आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये जो इनपुट था यहाँ का इनपुट वहाँ गया और उसके बाद वो गिरफ्तारी हुई, यानी सरकार को सारी चीज़ें मालूम थी, आप लोगों को सारा चीज़ मालूम था पहले से, इंटेलिजेंस फेल है। देखिए सरकार तो हमेशा विजिल रहती है ना, अब जहाँ जो चीज़ ट्रांजेक्शन हो रहा है वो स्टेट का जुरिस्डिक्शन का मामला है, वो स्टेट करता है, लेकिन एक दूसरे का शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग हर वक्त सरकार में चलते रहते हैं। बायोम, डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में, सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हिनू एवं नगर टोली रांची। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in